चाहिए, चमकनी चाहिए। अब तो हाल ये हो गया सारे बारिश में। अस्सलामुअलैकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अपनी संडे की सिर्फ हाफ डे की बिज़ी रूटीन को दिखाते हुए साथ साथ अपनी सिस्टर्स के लिए मैंने सोचा कि मैं लेके आऊँ अगेन सभी अच्छे अच्छे आइडियाज़ और आपके लिए अच्छी अच्छी बातें। कि सबसे पहले तो जी बात इसमें हम करेंगे, जैसा कि टॉपिक से भी आपको पता चल गया होगा कि बैड हैबिट्स और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ये कभी भी साथ साथ नहीं चलती। आपको कुछ ऐसी अपने आप में आते ख़त्म करनी होगी। आज की वीडियो देखने के बाद अगर आप अभी से अब जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगी, आपका जो है वो एक मेंटल पीस भी मिलेगा आपको, आप खुद को स्ट्रॉन्ग फील करेंगी और जो है वो आपकी ज़िंदगी बेटर होगी। तो सबसे पहले जी यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ का जो था ब्रेकफास्ट अर्ली बन रहा था सुबह, और मैंने कभी भी अनहेल्दी रूटीन नहीं रखी। हालांकि ये संडे है और ये देख लें कि मेरा तकरीबन 6-7 o'clock जो है वो डे बकायदा स्टार्ट हो जाता है। तो जो अनहेल्दी रूटीन है, बेशक आप छुट्टियों पे हैं, आप नहीं छुट्टियों पे, सबसे पहले आप उसको ख़त्म करें। तो जी नेक्स्ट मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। संडे मॉर्निंग है और मैं जो हूँ आज जो है वेदर भी इतना अच्छा नहीं है, जो अच्छा वेदर था वो ख़त्म हो चुका है, अब बारिशें शुरू हो चुकी हैं, अब देखो कब तक बारिशें चलती हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे थी बना रही, मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो आप छुट्टी का दिन आगाज़ करते हैं। अभी पूरी लंबी लिस्ट है जिसमें सफाई और जो है पता नहीं और क्या क्या कुछ अभी पड़ा है, जो है आयरन करने कपड़े, सफाई करनी, वॉशिंग मशीन। तो आपको पता है हमारे ये वाले काम जो है ना ये कभी ख़त्म नहीं होते। तो अब टी रेडी है, साथ साथ मेरा ये है ब्रेकफास्ट। तो ये देखेंगे एग हो चुके हैं बॉयल और टोस्ट इसमें जा चुका है और साथ साथ बन रही है चाय। तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, बस एक जो है वो स्लाइस ठीक है ब्रेड का, इतना इनफ है मुझे ये लग रहा है। क्योंकि अगर आप अपना वेट पे जो है नज़र रखना चाहती हैं कि आपका वेट जो है वो मेनटेन रहे, तो आप जो है वो कार्ब्स जो है थोड़े कम करें, ब्रेड और इस तरह की चीज़ें होगी, पराठा हो गया, ये चीज़ें बस आप कम कर दें। बिस्किट खास तौर पर अगर कोई बिस्किटों का शौकीन है, और वो साथ में ये भी कह रहा है कि मेरी डाइट जो है मेरा वेट जो है मेनटेन रहे, तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि चाय के साथ मुझे पता काफ़ी लोग जो बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन ज़रूर बिल्कुल जो है ना थोड़ा ये अवॉइड करें तो काफ़ी जो है वो सही रहता है वेट आपका। तो चाय बन चुकी है, तो ये टोस्ट देखते हैं अभी, मैं थोड़ा सा इसकी साइड चेंज करती हूँ। इस तरह से अच्छे बन जाते हैं दोनों, वैसे तो अच्छे बन जाते हैं लेकिन दोनों साइडें जो है वो ठीक बन जाती हैं। तो चाय में जो है शुगर नहीं डालते, जैसे टोस्ट बनते हैं बस टोस्ट बनेगा और हम बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट। तो जो अभी मैंने कुछ अपनी जो है मेरी पॉट्स वाली जिसमें मैं हांडियाँ रखती हूँ, मैंने वो भी टाइडी करनी है थोड़ी सी। कभी कभार ये है कि हर वक्त तो नहीं, लेकिन कभी 2-4 वीक के बाद ना मैं उसको ना कर लेती हूँ टाइडी। इस तरह साथ साथ नज़र रखे ना, मतलब साथ साथ आप करते हैं फिर एक ही दफ़ा ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये इन चीज़ों का जो है ना हम कई दफ़ा ख्याल नहीं कर रहे होते, फिर एक ही दफ़ा बहुत काम हो जाता है। जब इतना काम आप एक दफ़ा हमें इकट्ठा कर लेना तो फिर तो स्ट्रेस आपको पता है होता ही होता है। तो ये आपका जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे, तो आपने कहना एक ही बात करती रहती है बार बार ऑर्गेनाइज, तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है चलिए, देखिए जितने टाइम में मेरा ये देखिए टोस्ट बन रहा है उतने टाइम में जो मैंने एक तो आपको दिखाने के चक्कर में, तो उतने टाइम में ये देखिए मैंने जो है ये धो के ड्राई कर लिए, चमकनी चाहिए क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है ना उनको बड़ी पसंद है कि जो है ना चीज़ यहाँ पर आपको पता है फ़ौरन से ड्राई नहीं होते पॉट्स, तो उसमें अगर आपको इस तरह की शाइन चाहिए और अच्छे बर्तन चाहिए तो धोने के बाद आप जो है ना 2 मिनट लगते हैं, मुझे पता है टाइम तो लगता है, लेकिन उसको आप ड्राई करें। इस तरह से आपने जो है वो किचन टॉवल ले लें और उसको अच्छे से जो है वो ड्राई कर लें। अभी मेरा तो क्योंकि ड्राई हुआ आपको दिखाने लगी, बस आपने फ़ौरन से इसको इस तरह से ड्राई आपने करना है। और अब ये जा रहा है कबर्ड के अंदर, यह है कि मेरा हांडियों वाला कबर्ड है और इस तरह से मैं इसको जो है नाइस एंड टाइट जरूर रखती हूँ, और इसमें जो है सारे पतीले वगैरह इसके अंदर, और ये जो ढक्कन होते हैं ये मैं इस तरह से फिर साइड पे ऐसे कर देती हूँ ताकि ये टूटे ना, और इसके ऊपर इस तरह से छोटे, तो जी इस तरह से जो ना ये छोटी वाली जो होती है फिर इस तरह इनके ऊपर में रख देती हूँ, और इनको मैं जो है वो नाइस एंड टाइडी जो है वो ज़रूर करती हूँ। तो इसी तरह इनको होगी वॉशिंग मशीन होगी, तो ये चीज़ें होगी, तो ये मैं ना ज़रूर जो है वो इनको करती हूँ इसी तरह से।
ढक्कन वगैरह मैंने कभी इनके ज़्यादा नहीं रखे। और इस तरह से ये देखें ये साफ़ हो गया। इसी तरह आपको मैं बारी बारी ये देखें उतनी देर में मेरा जो है टोस्ट बन गया, बल्कि बच गया, सड़ा नहीं है। तो बस ये टोस्ट अब मैं अपना बनाती हूँ और जी फिर बैठ के नाश्ता करते हैं। तो जी मैं आराम से आई अपनी चाय पीने, लेकिन देखें चाय के साथ मैंने कोई भी सोशल मीडिया कुछ भी फ़ोन भी नहीं ऑन किया, कुछ नहीं ऑन किया हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये है कि कई दफ़ा बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव लोगों से पीछे रहें। और ख़ास तौर पे शुरू जो अपना दिन स्टार्ट जो अगर आप इस तरह करेंगे तो वो ख़राब होगा। यहाँ पर अनलेस आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के, क्योंकि संडे है, मैं कई दफ़ा फ़ोन पे बात कर रही होती हूँ। मेरी जो है वो शॉपिंग ही नहीं ख़त्म होती, बस क्या करूँ, कोई ना कोई चीज़ जो है वो ऐसा लगता है जैसे रह गई है, ये भी रह गया वो भी रह गया। तो मैं फिर जो है वो सेंसबरी लगता है कि मुझे इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए और मुझे इधर इसलिए इधर अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो इधर शॉपों पर लगा देना चाहिए, क्योंकि जितना मैं यहाँ पर आती हूँ जितनी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है और मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे वापस आना पड़ता है। तो लिस्ट भी बनाई होती है, क्या करें बस। तो जी ये देखें बड़े आराम से ये देखें पिकनिक हो रही है यहाँ पर। तो इधर जो है ना वो पेरेंट्स जो है, अगर एक पेरेंट जो है वो काम पे है तो ये देख लें, दूसरा जो है वो फिर बच्चों को लेके आता है। तो मुझे ज़रा आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये आपको भी मेरी तरह जो चीज़ों की नहीं भी ज़रूरत है उठा लाती हैं। जैसे ये देखें लेक्चर देना बहुत आसान होता है, जैसा कि मैंने यहाँ से ये चीज़ें उठाई तो बड़ा मुश्किल है जी। कई दफ़ा आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, इस तरह से हम लेडीज़ हैं, आदत जो है ना आपको पता है 100 चीज़ें आपके ब्रेन में चल रही होती हैं, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा आपको। लाइफ में नई चीज़, नया रिस्क ट्राई करना पड़ेगा, अपने कम्फर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 साल पहले कुछ किया था तो वो ख़राब हो गया, अब आपने करना ही नहीं है, कसम उठा ली हुई है, ऐसा बिल्कुल ना करें। और यहाँ पर मैंने बनाई चॉप्स वापस आकर। तो जी ये देखें चॉप्स जो हैं ये कौन से वाली हैं, कुकर में भी बन सकती हैं, लेकिन ये फ़ौरन से कुकर में कई दफ़ा से होता है टूट जाता है गोश्त। तो मैंने इस तरह से इसको बस हांडी में बनाना है और इनको ड्राई ड्राई रखना है, क्योंकि रोटी के साथ अगर आपने खाना है तो ऐसे ही सही रहेगा। बस इस तरह ये आपने बेसिक सब मसाले डाल देने हैं। ये देखें जी इसमें तकरीबन एक बड़ा ओनियन है, मेरे पास काफ़ी बड़ा जम्बो साइज़ था, आप चाहें तो 2 ओनियन ले लें और ये बस एक एक्स्ट्रा ये, और ये 2 टमाटोज है, टमाटो ज़्यादा नहीं लेने क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई चॉप्स बनेंगी तो इसमें जो है ना वो ज़्यादा नहीं डलेगा कुछ भी। तो ये चला गया इसके अंदर, और जिंजर गार्लिक का ये देखें ये पेस्ट चला गया इसके अंदर। तो ये मसाला चॉप्स जो है बैक चॉप्स हैं ये, और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा जाना है इसके अंदर। और बाकी जो है इस तरह से मसाले सारे, टर्मरिक एक पूरा जो है ये देखें, सॉल्ट का ये पिसा हुआ जो है वो धनिया पूरा भर के 1 चम्मच जाएगा, 1 चम्मच जो है ये रेड चिली पाउडर का जाएगा, और 1/2 चम्मच जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च का। बस ये देखें जी बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी। और जी इसके अंदर जाएगा पानी, ये देखें ऐसे करके, ये देखें पानी आपने इतना डालना है कि ये तकरीबन 20 मिनट्स जो है ये पक जाए। उसके बाद बस ऑयल हल्का सा बस डालना हमने और इसको लेना है भून। तो जी ये बड़े मज़े के ही देखें आसानी से जो है मसाला चॉप्स जो हैं बड़े आराम से बन जाएंगे। देखें बस अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स, आराम से देखें प्यार से इसको मिक्स कर लें और मसाला चॉप्स जो हैं वो आराम से आपके जो है आराम से बन जाएंगे। ये वाली जो है मुझे चॉप्स नहीं मिलती, लेकिन ये बैक चॉप्स हैं, मुझे ये जो है दूसरी वाली चॉप से ज़्यादा ठीक लगती है। तो बिल्कुल जब ड्राई बस इसको रखना है हमने इसमें जो है वो चॉप्स को, ये देखिए आराम से। तो जी इस तरह से 20-25 मिनट्स के बाद ये तकरीबन गल जाएंगी और टूटेंगी भी नहीं। आपने इसका ये ख्याल रखना है क्योंकि ये कई दफ़ा टूट जाता है, अच्छा नहीं लगता। और रोटी के साथ खा रहे हैं तो इस तरह भी सही है एंड में, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है, प्लेटर पे रखना है, तो फिर आप एयर फ्रायर में रख लें इसको निकाल के, और बाकी फिर मसाले में डाल दें और दम लगा दें। ये देखिए यहाँ से ये बस मसाला चॉप इसी तरह है, बस इसमें थोड़ा सा लाइट सा ऑयल इसमें डालेंगे, उसको अच्छे से ना बस भून लेना और ये बस रेडी है। और इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, थोड़ा सा इतना सा ऑयल किया इसके अंदर, इतना ही बहुत है।
तो जी जब खाना हो बस दम लगा लें, मसाला चॉप्स रेडी हैं, बहुत आसानी से बनती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो आपकी बैड हैबिट्स है उसमें ये होती है कि आप किसी को ब्लाइंड जो है ना होकर फॉलो मत करें। किसी ने कोई नई चीज़ अपने घर की ली है, या किसी ने कोई लंबी शर्ट पहन ली है, छोटी शर्ट पहनी है, कोई नई चीज़ ली है, कुछ भी है आपका, उससे जो है वो आप क्या पता वो आप पे सूट ना करे कोई चीज़, तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। बिल्कुल जो है वो अपना आप देखें कि मुझे मेरे हिसाब से क्या ठीक लगता है, और बहुत इस तरह से भी बड़ी जो है वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हम आए वहाँ यहाँ पर बाहर एप्पल तोड़ने के लिए, एप्पल जो है पक चुके हैं बल्कि नीचे भी गिर रहे हैं, मैंने तो हमने तो नहीं उतारे ही, मुझे लग रहा है इसमें से कितने सारे देखो सारे नीचे गिर गए है ना, खराब भी हो गए पड़े पड़े ऊपर, टाइम ही लगा उतारने का इनको ना थोड़ा सारे ना। ये देखें जरा छोटा सा प्लांट नीचे देखें लगा हुआ है फ्लोर पे, ये सारे इसके देखिए पत्ते जो है नीचे लगे हुए हैं। I think it's been apple crumble for a few days, isn't it? हाँ apple crumble चलो बनाते हैं आज, मेरे पास टाइम नहीं, तो आज अगर रात में कर लेते हैं तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी दे आती थोड़ी थोड़ी crumble बना के है ना। चलो देखो ये काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, ये देखें सही है बिल्कुल है ना। Look at this one. हाँ ये भी सही है। Don't breathe. नीचे गिर गया, रुक जाओ रुक जाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, नीचे कितने सारे गिर गए, वो इतने मुझे लग रहा है पक गए हैं ना सारे, थोड़े थोड़े नीचे गिर रहे हैं, पकड़ो ये ना, मैं नीचे से उठाते हैं काफ़ी सारे नीचे गिर गए, तो बिल्कुल लिटरली ये तो नीचे लगा हुआ है इतना, इस बेचारे पे ना ये देखिए बोझ बना हुआ है, तो उतार लो आप, तो उसके भी लगे होंगे है ना, ये कहते हैं इतने नीचे। अच्छा इसके पीछे तो जी प्लेन ने हमारी तो आज क्या उसको कहते हैं मत मारी हुई थी, सुनी कुछ नहीं रहा था। तो यहाँ पर एक मैं ज़रूर बात मेंशन करूँगी कि जब अब ये विंटर आएगा और मैं आपको ये अपने गार्डन का ज़रूर दिखाऊँगी कि ये बिल्कुल डंडे बने होते हैं, ऐसे स्टिकें होती हैं जैसे बेचारे कभी दुनिया में सब्ज थे ही नहीं, इनको देख के कोई यकीन नहीं कर सकता, इनके पत्ते गिर जाते हैं, ऐसे सूखे डंडे खड़े होते हैं मैं कहती हूँ, और फिर ये देखेंगे ये थे फिर ग्रीन हो जाते हैं, फिर इन पे फ्रूट आता है। तो ज़िंदगी की मिसाल भी ऐसी है, कभी भी जो है वो हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहें, खड़े रहें इन इन इनकी तरह। ये देखें सर्दी झेलते हैं, बर्फ़ झेलते हैं, ये डंडे बिल्कुल सूखे होते हैं लेकिन ये हर चीज़ जो है बर्दाश्त करते हैं और खड़े रहते हैं, और फिर अल्लाह पाक इसको जो है इनके खड़े होने का, इनको जो है इनके बर्दाश्त करने का मिल जाता है इनको फल। और अब मैं ये फ्रूट जो था आपको देख रही थी कि मैंने जाके देखा हूँ अपने फैमिली फ्रेंड्स को उनके साथ शेयर करूँ, तो होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, कुछ हैबिट्स जो हैं आपके साथ शेयर की। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।